कैसे जी आप सब लोग? उम्मीद करते हैं हम सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं जी दो प्रोडक्ट ट्राई करने लगी हूँ, एक ये वाला मॉइस्चराइजर और ये वाला है रेटिनॉल सीरम, ठीक है। और रेटिनॉल मैं काफ़ी अच्छे से यूज़ करना चाहती हूँ, लेकिन सब लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी स्किन के लिए भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, इतनी हेल्दी स्किन है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो अभी जो ये जो है ये मैंने मेडिकल स्टोर से परचेज़ किया, ये आम किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से नहीं मिल रहा, ये मेडिकल स्टोर से मैंने लिया है 1000 का, और ये है जी 1550 का। ये इंस्टाग्राम के पेज से ऑर्गेनिक प्रॉमिस का है ये रेटिनॉल। तो आज इसको हम यूज़ करने लगे हैं। बिलाल का आप लोग वीडियो देखिए कि मैंने सबसे पहले ये बिलाल को लगाया, फिर हमने लगाऊंगी। हम जी ट्राई करते हैं ये और ये बिलाल के मुंह पे, देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। ये जैसे रेटिनॉल जो सीरम होता है इसको सैंडविच तरीके से यूज़ करते हैं, तो मैंने उसके लिए स्पेशल ये वाला मॉइस्चराइज़र लिया, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा हाइप है कि ये बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो अभी चलते हैं जिसको ट्राई करते हैं। अभी ये बिल्कुल पैक है, मैंने इसको खोला नहीं है अभी तक, और इसको भी नहीं अभी तक खोला। तो अभी बिलाल से खुलवाते हैं और बिलाल को ही लगाते हैं। ये जी निकल चुका है और बिलाल को करते हैं ट्राई। बहुत लाइट वेट है, ये ऑयल फ्री है। स्मेल कैसी है? कि है ही नहीं। हम जी इसके ऊपर हमने लगाना है रेटिनॉल जी। मैंने इसके लिए हैं दो पंप। इसको रब नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही हल्के हाथों के साथ लगाना है, रब नहीं करना है इसे। इसके ऊपर हम दोबारा लगाएंगे ये लोशन, थोड़ा थोड़ा सा गैप देकर, कि जो पिछली चीज़ है जो वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं इसका एक टाइम में इसका रिज़ल्ट देखूंगी कि इसका वन टाइम में क्या रिज़ल्ट आता है। दिखाओ बिलाल साहब जी। तो बिलाल को लग चुका है, आप लोगों ने वीडियो देख चुकी है। ये है जी डर्मेवी का मॉइस्चराइज़र ऑयल फ्री, बहुत ज़्यादा रनी कॉन्सिस्टेंसी में है। ये देखिए, ये हल्का सा मैंने पम्प किया था तो ये मेरे हाथ पे इतना सारा आ गया था। ये सैंडविच तरीके से ये जो है ये यूज़ होता है, और 5-5 मिनट के गैप के साथ इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, रेटिनॉल जो बेसिकली है वो फाइन लाइन, एजिंग, पिंपल मार्क, एक्ने स्कार्स, एक्ने, एक्टिव एक्ने, इन सब चीज़ों के लिए होता है। और मुझे जो है एक्ने मार्क हो गए हैं बहुत ज़्यादा। एक्ने तो ख़त्म हो गई है, लेकिन एक्ने मार्क हो गए हैं, ड्राइनेस हो गई है, यहाँ पर बहुत ड्राइनेस है मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो है पिंपल्स मुझे थे यहाँ पर, तो मुझे उसका चेकअप मेरा चल रहा था, तो इसलिए जो है मैं कोई भी लोशन, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ एक लोशन यूज़ कर सकती थी और मैं वही यूज़ करती थी, और वो नोज़ पे नहीं करना था क्योंकि नोज़ पे पिंपल नहीं थे। नोज़ पे जो है मेरे ड्राइनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा, ये जगह इतनी ड्राइनेस है, इतनी ड्राइनेस है कि बहुत ज़्यादा वाली। तो ये मैंने लगा लिया है, 5 मिनट वेट करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाएंगे। तो जी 5 मिनट के बाद हम लोग दोबारा आ चुके हैं और हम लगाने लगे हैं अब रेटिनॉल अपने एक्ने स्पॉट्स के लिए, एक्ने मार्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जी मैंने एक पम्प और ये दूसरा पम्प लिया है। अच्छा, रेटिनॉल क्या करता है बेसिकली कि स्किन को ड्राई कर देता है, बहुत ज़्यादा वाला ड्राई कर देता है। तो इसके लिए जो है नीचे हमारा मॉइस्चराइज़र, कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। इस मॉइस्चराइज़र का मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ था कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो मैंने इसलिए रेटिनॉल को यूज़ करने के लिए स्पेशल ये वाला मॉइस्चराइज़र लिया है, वरना मेरे पास 3 से 4 तरह के मॉइस्चराइज़र जो हैं मौजूद हैं। तो ये जी रेटिनॉल लग चुका है, इसको हमने रगड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने सिंपल जो है इस तरह से लगा देना है। ये फोर ही मेरी स्किन में चला गया, फोर ही चला गया, ठीक है। अब हम करेंगे 5 मिनट दोबारा वेट और इसका सैंडविच तरीका वो ख़त्म करेंगे। तो 5 मिनट गुजर जाने के बाद हम लोग दोबारा से अपना डर्मेवी लोशन लगाएंगे। आपके पास कोई सा भी आप वो लगा सकते हैं। मैंने स्पेशल इसलिए लिया था, मैं चाह रही थी कि मैं दोनों अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जाऊं, दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जाऊं। तो रेटिनॉल बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे ये मिला, ये मुझे पसंद आया, मैंने इसके बहुत रिव्यूज़ पढ़ के इसको मंगवाया है। मतलब एक नॉर्मल स्किन है, जैसे मेरी बहुत हेल्दी स्किन है, इस स्किन के ऊपर हम कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे ना तो उसने फ़र्क करना है। मैंने ये प्रोडक्ट रेटिनॉल तब लिया था जब मैंने बहुत हैवी पिंपल स्किन वाली लड़कियों को देखा, उनको देखा, उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि भाई ये जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लास्ट मंथ से जो है मुझे एक्ने का मसला सिर्फ मेरे आईब्रो पे बहुत ज़्यादा था, कहीं भी नहीं था, सिर्फ आईब्रो पे था बहुत ज़्यादा वाला।
अब जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा केयर से किसी प्रोडक्ट को ना यूज़ करने पे हर चीज़ ख़त्म करके अपने हम हेल्दी स्किन की तरफ वापस आ चुके हैं। तो जी अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो रेटिनॉल है ना, ये हमें इरीटेट करता है। जैसे मेरी नोज़ के पास ड्राइनेस है तो मुझे यहाँ पर हल्का सा इसने इरीटेट किया है। ठीक है, मुझे हल्की सी इरीटेशन जो है महसूस हो रही है। स्टार्टिंग में हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है रेटिनॉल को, हमने इसको यूज़ करना है वीक में एक बार या दो बार। ठीक है, जब हमारी जो इरिटेशन है, जो हमें हल्का सा जो डैमेज हमारी स्किन में महसूस होगा कि हमारी हमें जलन हो रही है, कोई मसला हो रहा है, तो वो जब हमें ख़त्म होगी ना, फिर हमने इसको डेली रूटीन में लाना है आहिस्ता आहिस्ता करके। ठीक है, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है, बिलाल को भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया और खुद भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया। मेरी आईब्रो के पास स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई है, तो इसलिए जो है मैं इसको वीक में एक बार लगाऊंगी, और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव नहीं है वो दो दिन छोड़ के एक दिन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये ना जो लास्ट होता ना, लास्ट जैसे एक मेडिसिन होती है एज़िथ्रो, वो लास्ट होती है हमारे इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन हैं, मॉक्सिल है, ये सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं। और जो एज़िथ्रो होती है ना, वो बहुत लास्ट वाला ना सीवियर किस्म का हमारा एंटीबायोटिक होती है, उसको ख़त्म करने के लिए, किसी जर्म्स को ख़त्म करने के लिए, किसी रैश को ख़त्म करने के लिए। इस तरह से जो ये रेटिनॉल है ना, ये बिल्कुल लास्ट वाली चीज़ है। ठीक है, जो हमने चूज़ कर लिया है, अब जब रेटिनॉल हम चूज़ कर लेंगे ना, तो इससे जो नीचे वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो हम लोगों को असर नहीं, जैसे विटामिन सी सीरम हो गया, वो हमें असर नहीं करेगा, फिर हमें ये असर करेगा। खैर, मैं तो सीरम वगैरह यूज़ नहीं करती, ये मेरा पहला सीरम है जो मैंने अब इसको रूटीन में अपने यूज़ करना है। इंशाल्लाह वीक में एक बार स्टार्टिंग में यूज़ करूँगी, 1 से 2 मंथ स्टार्टिंग में सिर्फ इसको 1 मंथ यूज़ किया जाएगा, और मतलब वीक में एक बार यूज़ किया जाएगा, फिर उसके बाद इसको अपने डेली रूटीन में लाया जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, और बिल्कुल मूड हो गया वीडियो शुरू की थी ताकि आप लोगों को बेहतर रिजल्ट नज़र आए कि भाई ये मूड था और इस मूड पे जो है रिज़ल्ट, इसका मैंने ये वीडियो बनाई है, इस मूड के साथ ये चीज़ को शुरू की है, ताकि आप लोग मेरी आने वाली वीडियोज़ देखेंगे, ब्लॉग्स देखेंगे, तो आपको स्किन की मेरी नीडनेस खुद नज़र आएगी। उम्मीद है जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटा सा रिव्यू था वो अच्छा लगा होगा। कुछ ना समझ आई हो तो मैसेज कर सकते हैं आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर, और नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।